अगर जनप्रतिनिधि एक है कि मैंने सड़कों का जाल बिछा दिया तो मेरी समझ में नहीं आता है कि मकड़ी का जाल भी यहाँ नहीं दिखता, आप सड़क का जाल कहाँ बिछा दें। आपका जनप्रतिनिधि जो है उसको ये बातें बोली, तो कहने का तात्पर्य यह है कि खेत खाए गधा मार खाए झोला। किसानों को मैं डायरेक्ट बाजार से जोड़ने का काम करने का मेरा प्लान है। नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर, न्यूज बायोस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त राजा पीटर जी हमारे साथ हैं और उनका पदयात्रा कार्यक्रम चल रहा है और वो बस्तियों में घूम रहे हैं, मछुआ टोली में हैं और लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। राजा पीटर जी, चुनाव को लेकर जो आप घूम रहे हैं तो क्या कुछ समस्याएं उभर कर निकल कर सामने आ रही है? ऐसे ही ज़्यादा क्या बोला जाए, पिछले 10 सालों में कुछ कार्य सरकार ने किया नहीं, सरकार के जनप्रतिनिधियों ने भी नहीं किया। नहीं करने से क्या है, जनता हमेशा कुछ ना कुछ अपना समस्या को बता रही है, आप लोग ऐसा नहीं करते हो, नेता लोग आता है चुनाव में बोल के चले जाता है तो फिर उसको समझाना पड़ता है कि हम तो पिछले दाल से विधायक है ही भी नहीं भाई जी। आपका जनप्रतिनिधि जो है उसको ये बातें बोली, तो कहने का तात्पर्य यह है कि खेत खाए गधा मार खाए झोला। झूठ मूठ का हम खाली खा रहे हैं, चल रहे हैं, लोग रास्ता दिखाते हैं, जितना खराब सड़क है उसमें चलवाते हैं। मेरे टाइम में ऐसा था नहीं, लेकिन क्या कीजिए। देखिए, यहाँ भी इनका कहना है कि ये जो सड़कें हैं, चूंकि ये पिछले बार विधायक नहीं रहे तो इनका कहना है कि इस वजह से तस्वीरें इस तरह से यहाँ दिखाई दे रही हैं। राजा पीटर जी, आप लगातार घूम रहे हैं तो किन किन इलाकों में इस तरह की समस्याएं आपको खासकर दिख रही हैं? सबसे पहली समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी जाके देख सकते हैं, तमाड़ प्रखंड का कैनल क्षेत्र एक पड़ता है कांची नहर सिंचाई परियोजना के अगल बगल जो है, जो गांव है जी, बड़ी बड़ी गांव है, उसकी सड़क की हालत ये हो गई कि पिता बोलने लगा कि मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा जी। भाई दुखित इसीलिए है कि उसके बहन का रिश्ता नहीं आ रहा जी। और गर्भवती महिलाओं के लिए जब एम्बुलेंस बुलाया जाता तो एम्बुलेंस वाले कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे इसीलिए कि मेरे साथ एक दूसरी गाड़ी को आना पड़ेगा, अगर हम फंस जाएंगे तो उसको निकालना पड़ेगा। तो ये हालात सड़कों की है, फिर भी अगर जनप्रतिनिधि एक है कि मैंने सड़कों का जाल बिछा दिया तो मेरी समझ में नहीं आता है कि मकड़ी का जाल भी यहाँ नहीं दिखता, आप सड़क का जाल कहाँ बिछा दें। चलिए, सड़कों को दुरुस्त करेंगे, इसके साथ साथ और क्या प्राथमिकताएं होंगी तमाड़ में? आप किसानों को मैं डायरेक्ट बाजार से जोड़ने का काम करने का मेरा प्लान है और मुझे लगता है कि मैं इसमें सफलता को हासिल कर लूँगा। सिंचाई सुविधा दुरुस्त कर देंगे, कोल्ड स्टोरेज होगा, किसानों को ट्रेनिंग कर दे देंगे तो अपने ही मार्केट पकड़ लेंगे जी। और मार्केट उसके घर पे आएगा, आज बहुत सारी कंपनियां ये काम कर रही है, बिचौलिया भी इससे हट जाएगा तो उनको अच्छा कीमत मिलेगा, उनका भी जीवन स्तर सुधरेगा, ये है मेरी सोच। एक बात जो आप बता रहे हैं कि आप जहां भी जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो ये भी बताता है कि लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं और आपको उनको पुराने दिन उन्हें याद आ जाता था। वो इस चीज का आज महसूस करते हैं, अगर मैं होता तो ऐसा नहीं होता। चलिए, जो कुछ भी है वो कहते हैं ना, मुद्दे ही लाख चाहे क्या होता, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। आपके विरोधी कई तरह के आरोप भी आप पर लगाते हैं, उनको लेकर आप क्या जनता के बीच कहते हैं? कुछ नहीं, हम ऐसा नहीं, हमको देखिए सीधी सी बात है, मेरे को जन सेवा करना है जी। ऐसे भी मैं सोशल वर्कर था जी। आप सोचिए, संजीवनी ग्राम ट्रस्ट के माध्यम से मैंने और मेरी पत्नी ने 1.5 लाख मरीजों को ठीक किया है, सरकारी गजट में पे लिखित है जी। आप बाकी छोड़ दीजिए, किडनी ट्रांसप्लांट, ओपन हार्ट सर्जरी, ये बुंडू भी गवाह देगा इस बात का कि हमने कितने को सेवा किया है। तो निश्चित तौर पर जब प्रतिद्वंदी घबराता है तो वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे। सर, क्या मैसेज देंगे लास्ट में? जनता से अपील करेंगे कि अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए 13 नवंबर को
चार नंबर का बटन दबाकर राजा पीटर को विजय बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है राजा पीटर जी, लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है और इनका कहना है कि लोगों की उम्मीदें इनसे जुड़ी हैं और उन उम्मीदों को ये विधायक बन के आते हैं तो पूरा करेंगे। कैमरामैन विकास के साथ उदय शंकर, न्यूज बायोस्कोप बुंडू। बिहार के शीर्ष नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी आईटीओ मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जानवी सिरामिक से करें टाइल्स ग्रेनाइट सेनेटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काट कर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुरमोर, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड, शर्तें लागू।